बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक में पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज मैं मौजूद हूँ यूनाइटेड ऑटोज मोड स्पोर्ट्स रावलपिंडी पे और आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त मोटरसाइकिल। ज़बरदस्त इन सेंस के 150 और 300 के दरमियान कैटेगरी एक फॉल इन होती है, जिसे फिल किया था बेनेली ने अपने इंतहाई खूबसूरत TNT 25 के साथ। आज हम इस मोटरसाइकिल के बारे में तमाम तफासिल जानेंगे और एक अदर गुड न्यूज़ भी है कि अगर आप लोग ये मोटरसाइकिल आसान महाना अकसात पे ख़रीदना चाहते हैं तो यूनाइटेड ऑटोज़ ऑफ़र करता है इस पे इंस्टॉलमेंट प्लान भी। तो तफसील के लिए नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, आप उमर भाई को कॉन्टेक्ट करके मज़ीद इंफॉर्मेशन इस मोटरसाइकिल के बारे में इंस्टॉलमेंट प्लान के बारे में हासिल कर सकते हैं। इससे पहले के वीडियो में हम आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने बाइक मेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म के खूबसूरत मोटरसाइकिल फ्यूचर में भी आपको देखने को मिलते रहे। तो चलिए बात करते हैं इस खूबसूरत मोटरसाइकिल के बारे में। यह है बेनेली का टोर्नेडो TNT 25। 250 सीसी कैटेगरी में ये मोटरसाइकिल आता है। 249 सीसी है टू बी वेरी प्रिसाइज। सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल है एंड इट कम्स विद लिक्विड कूल इंजन, 4 वाल्व डुअल ओवरहेड कैम शॉफ्ट इंजन के साथ ये आता है। मज़े की बात यह है कि 150 में कभी कभी हमें लगता है यार के पांचवा गियर है, क्रूज़ कर रहे हैं हम, कभी कभी ये लगता है यार छठा भी होता, तो इस मोटरसाइकिल में लगेगा नहीं। एक्चुअल में आपको 6 गियर मिल रहे हैं, विच इज़ वेरी नाइस बिकॉज इट इज़ मेटेड विद 6 गियर ट्रांसमिशन, विच इज़ वेरी नाइस फॉर क्रूजिंग अलॉन्ग। जैसे मैंने आपको बताया क्रूज़ करने के लिए 6 गियर, तो इसका मतलब है कि माइलेज भी अच्छी मिलनी चाहिए हमें। जो कंपनी क्लेम करती है वो करती है 30 किलोमीटर पर लीटर। बाइक इटसेल्फ काफ़ी लंबा चौड़ा और भारी है, अगर मैं भी इसके ऊपर बैठ जाता हूँ तो बाइक का वज़न और बढ़ जाता है। तो आप वज़न के बारे में बात ही कर रहे हैं तो इसका जो कर्ब वेट है वो है तकरीबन 159 kg का। सो वैसे लग कैसा रहा है? बहुत ज़बरदस्त कैटेगरी है ये 250 सीसी की, जिसमें आपको इस किस्म का बाइक मिल जाए, ट्रबलसम ना हो, चलता ही रहे, बस प्रॉपर टाइम पे आपने इसकी मेंटेनेंस करवानी है एंड दैट्स ऑल। माइलेज इस वजह से भी थोड़ी सी अच्छी है कि ये EFI वेरियंट है, विच इज़ वेरी नाइस। आप इसे बेसिकली अगर कैटेगरी हम इसकी देखते हैं तो इसे हम स्ट्रीट नेकेड स्पोर्ट्सटर भी कह सकते हैं और टूरर भी कह सकते हैं। ऑल दो इसके साथ आपको हुक्स नहीं मिलती सामान वगैरह टांगने के लिए, लेकिन मतलब पाकिस्तान के पास 1000 किस्म का जुगाड़ है, आप बॉक्सेस वगैरह इसके लगा के आफ्टर मार्केट और इसे टूरिंग पे लेके जा सकते हैं। अब टूरिंग पे जाने के लिए हमारे पास इलाके कौन कौन से हैं, या अप नॉर्थ है या बलोचिस्तान के इलाके हैं। अप नॉर्थ में आप जाते हैं तो एक मुसीबत तो वैसे ही हल होगी इसके EFI होने की वजह से कि यार ये मिसिंग इंशाल्लाह नहीं करेगा। जो दूसरा बड़ा मसला पैदा होता है वो लैक ऑफ पावर का है, लेकिन इसमें आपको मोर देन इनफ पावर मिल जाती है। पता कितना? 28.55 BHP ये इंजन प्रोड्यूस करता है। अब ये 28.55 हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर बहुत बड़ी चीज़ है इस नन्हे से सिंगल सिलेंडर इंजन के लिए, लेकिन ये प्रोड्यूस करेगा 9500 RPM पे और तकरीबन ये 21 Nm टॉर्क भी प्रोड्यूस करता है, क्वाइट टॉर्की है, और 8000 RPM पे करता है, तो आपको मोर देन इनफ मिड टीयर आपको टॉर्क इस मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। शेप तो नो डाउट बहुत खूबसूरत है इसकी, एजाइल है, नेकेड स्ट्रीट मोटरसाइकिल है ये, तो आपको फेयरिंग्स वगैरह इतने ज़्यादा इसमें देखने को नहीं मिलते। अब फ्यूल आप देखें, इसका टैंक देखें, तो अब आप सोच रहे होंगे यार गुंजाइश कितनी है इसमें। तकरीबन 17 लीटर तक आप इसमें फ्यूल स्टोर कर सकते हैं। अब फ्रंट टायर पे देखें तो 110/70/17 का फ्रंट पे आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, और जो रिम है इसका 17 इंच का अलॉय व्हील इसके अंदर यूज़ किया गया है, ये भी क्वाइट स्पोक्स वाला है। आपको पहली नज़र में लगता नहीं है कि ये अलॉय व्हील है, बट इसका डिज़ाइन ऐसा है कि स्पोक्स आपको नज़र आती हैं कि इस मेड ऑफ स्पोक्स है, बट इट इज़ एक्चुअली एन अलॉय व्हील। अब ऊपर आप देखें तो काफ़ी बीफी किस्म की अप साइड डाउन शॉक्स आपको मिल जाते हैं,
और जस्ट लुक एट द वॉल्यूम ऑफ देम, इस तरह लगता है कि किसी 600 सीसी मोटरसाइकिल की सस्पेंशन फ्रंट पे लगा दी है, क्वाइट हैवी और थिक है। फिर ऊपर हम आते हैं तो इसमें एक शॉर्ट कमिंग आपको लग सकती है, जो है भी और नहीं भी, इसकी हेडलाइट में आपको हेलोजन बल्ब बाय डिफॉल्ट देखने को मिलता है। ऑल दो इसके अगर आप इंडिकेटर्स और टेल लाइट देखेंगे तो वो एलईडी में आते हैं, लेकिन बल्ब इसके अंदर जो दिया गया है वो हेलोजन है, वो आप अपनी मर्जी से अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। फुट पैग्स अगर आप देखें तो रिट्रैक्टेबल हैं, ठीक है, पिलियन के लिए भी और राइडर के लिए भी, दोनों के लिए प्री इंस्टॉल्ड आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पे मीटर अगर हम इसका मुलायजा करते हैं तो आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो डिजिटली दी जाती है, सिवाय टैकोमीटर के जो कि एनालॉग में आपको देखने को मिल रहा है। एग्जॉस्ट की जानिब देखते हैं तो एससी प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट इसमें प्री इंस्टॉल्ड आपको देखने को मिल रहा है, और बैक पे एग्जॉस्ट से थोड़ा सा ऊपर जाएं तो आपको एक अदद मोनोशॉक देखने को मिल रहा है, क्योंकि बनारी के जितने भी मोटरसाइकिल आते हैं आप इनका 150 भी देख लें तो उसमें भी आपको मोनोशॉक ही मिलता है, क्योंकि इट गोज़ विद द फ्लो, इट गोज़ विद द डिज़ाइन, और डिज़ाइन के साथ मोनोशॉक ही सूट करता है इसके। बैक पे अगर आप देखते हैं तो रनर का 170/17 का टायर मिल रहा है, क्वाइट हैवी बिग टायर इसके ऊपर लगा हुआ है। पाकिस्तान में वैसे देखा जाए तो 250 सीसी कैटेगरी में ब्रांड न्यू और ब्रांडेड बाइक्स बहुत कम हैं जो आपको मिल रहे हैं। बेसिकली तो ये अभी आपको फ्रेश भी मिल सकता है, लेकिन चूंकि ये 2017 मॉडल है, ये आपको यूनाइटेड ऑटोज मोटर स्पोर्ट्स ऑफर कर रहा है 6,75,000 रुपये में। लेट्स से अगर अभी आपके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है और दिस इज़ योर ड्रीम बाइक एंड यू डेफिनेटली वांट टू हैव दिस इन योर हाउस, फिर क्या करना होगा? फिर आसान तरीका है, वीडियो के शुरू में भी मैंने आपको बताया था कि स्क्रीन पे उमर भाई का नंबर मौजूद होगा, आप उमर भाई को कॉल करें और इसे आसान माहाना अकसाद पे भी आप ले सकते हैं। उसके लिए कुछ शराइत होंगी, वो डेफिनेटली आपको बता दी जाएंगी। सो गाइस, ओवरऑल दिस इज़ ए फैंटेस्टिक मोटरसाइकिल। वैसे तो मोटरसाइकिल की लिस्ट इतनी लंबी है और ख्वाहिशात की उससे भी लंबी है कि ये भी हो वो भी हो, लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर कम्यूटर मोटरसाइकिल चाहिए जो कि आपको थोड़ा थोड़ा लुक्स में भी और फील में भी एक स्पोर्ट्स बाइक की भी फीलिंग दे, तो दिस कैन बी अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर यू, डेफिनेटली गो फॉर इट। मेरा ख्याल है कि 6,75,000 अगर आस्किंग प्राइस है तो नॉट बैड एट ऑल, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इसकी एक्चुअल कीमत जो आपको स्क्रीन पे अभी नज़र आ रही है उस हिसाब से ये बेस्ट बाय होगा। थैंक यू सो वेरी मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक आपने बाइक माइट वीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।